गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ टीचर। स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू एक्सरसाइज 5E ऑफ चैप्टर 5। स्टूडेंट्स, इन दिस एक्सरसाइज वी विल स्टडी अबाउट मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर्स। सो लेट अस स्टार्ट द एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन इज मल्टीप्लाई करना है हमें यहाँ पर। जैसे 4.8 मल्टीप्लाइड बाई 6। इफ़ यू मल्टीप्लाई 6 by 8, फर्स्ट नंबर हम हॉरिजॉन्टल मेथड में ही मल्टीप्लाई करते हैं। 6 8 जा 48, 8 carry 4, 6 4 24, 4 28, और आफ्टर डेसिमल यहाँ भी 1 8 है, तो यहाँ भी हम आफ्टर डेसिमल इधर से काउंट करके 1 8 हम यूज़ कर देंगे। नेक्स्ट आपका 7 3 जो 21, carry 2, 7 2 जो 14, 2 16, 6 carry 1, और 7 1 7 1 8, आफ्टर डेसिमल 1 8 है यहाँ पर, तो यहाँ भी हम आफ्टर डेसिमल 1 8 इधर से काउंट करेंगे, राइट से यहाँ पर डेसिमल पुट कर देंगे। 9 6 जो 54 carry 5, 9 3 जो 27 5 32 carry 3, और 9 10 जो 90 93 आपका हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं और आंसर आप फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिवाइड करना है यहाँ पर हमें। 16.8 divided by 6। देखिए, इसे हम हॉरिजॉन्टल मेथड में ही डिवाइड कर सकते थे, लेकिन हमने आपको ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए, आप जो अच्छे तरीके समझ में आ जाए, तो इसलिए मैंने इसे कॉलम में अरेंज करने के बाद डिवाइड किया है। 6 से हमें 16.8 को डिवाइड करना है, तो 6 का टेबल नॉट मोर देन 16, 2 times जाएगा, 6 2 जो 12, 16 में 12 माइनस करेंगे 4 हो जाएगा। यहाँ से डेसिमल हटा के हम यहाँ पर रखते हैं, और अपॉन 8 है तो 8 यहाँ पर लिखेंगे, 6 8 जो 48, सो द आंसर विल बी 2.8। सेकेंड, 119.2 divided by 8, 8 1 जो 8 3 39 हो जाएगा, 8 4 32, 7 आया 72, और 8 9 जो 72, और द आंसर आपका 14.9। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 से हमें डिवाइड करना है 306.72 को डिवाइडेड बाय 9। 9 का टेबल नॉट मोर देन 27, तो 9 3 जो 27, तो 3 यहाँ से बार माइनस करेंगे 3 हो जाएगा, आगे 6 है तो 6 36 हो जाएगा, 9 4 जो 36, तो पूरा डिवाइड हो गया। डेसिमल यहाँ से हटा के यहाँ रखेंगे, आगे 7 7 लिखेंगे। वी कैन नॉट टेक द टेबल ऑफ 9 इन 7, सो वी टेक टाइम बाई 0 time, तो 7 0 जो 0, 7 में 0 माइनस करेंगे 0 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 2 है तो 72, 9 8 जो 72, तो इस तरीके से आप इसे डिवाइड कर सकते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 8 और 5 6 को भी आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें मल्टीप्लाई करना है, फाइंड द प्रोडक्ट 0.69 मल्टीप्लाइड बाई 10। देखिए, सबसे आप करना क्या है, सबसे पहले आप नंबर को होल नंबर में ही लिख लीजिए। जैसे हम जानते हैं कि अगर हम 69 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 69 आ जाएगा। अब आफ्टर डेसिमल यहाँ पर 2 digit हैं जी, तो आपका डेसिमल जो है यहाँ भी 2 digit पे आ जाएगा, क्योंकि अब हम 69 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर 0 हो जाता, तो 690 हो जाता। अब आफ्टर डेसिमल यहाँ पर 2 digit हैं, तो यहाँ पर आफ्टर डेसिमल इधर से हम काउंट करके 2 digit रिप्लेस कर देंगे। उस तरीके से यहाँ भी है आपका 2.312 मल्टीप्लाइड बाई 10। तो हम पहले नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपका अगर हम 2312 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 23120। आफ्टर डेसिमल यहाँ पर 3 digit हैं, तो इधर भी हम 3 digit काउंट करके डेसिमल पुट कर देंगे। मीन्स जितने डिजिट आपके क्वेश्चन में हैं राइट आफ्टर डेसिमल, उतने ही आपको आंसर में भी रखने हैं। 3.628 मल्टीप्लाइड बाई 10, यहाँ भी हम 0 रखें, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 3.628 मल्टीप्लाइड बाई 10 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 6 2 8 0, 36,280 हो जाएगा। आफ्टर डेसिमल 3 digit है, तो इधर से आप 3 digit काउंट करिए और यहाँ पर डेसिमल पुट कर दीजिए। इस तरीके से 0.8 मल्टीप्लाइड बाई 10 है, तो यहाँ पर 8.0 हो जाएगा, और आप इसको आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फिर फाइंड इक्विटेंट, यहाँ पर हमें डिवाइड करना है 10 या 10 के मल्टीपल से, तो हम 27.5 divided by 10, आप उस तरीके से अरेंज करके भी डिवाइड कर सकते हैं, बट इट इज़ द सिंपलेस्ट वे, यहाँ सरल तरीका है 27.5। देखिए, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि मल्टीप्लाई जब हमने किया था, तो जितने जीरो थे आपका डेसिमल उतने राइट साइड मूव कर गया था। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे 9.65 था और यहाँ 20 है,
तो आंसर में आपका 965 हो गया। डेसिमल आपका 9 के बाद 2 डिजिट आगे मूव कर गया, 65 के बाद हो गया। उस तरीके से डिवाइड करने पर डेसिमल आपका लेफ्ट साइड मूव कर जाएगा, 1 डिजिट आपका लेफ्ट साइड मूव कर जाएगा। अगर 10 है, 20 है तो 2 डिजिट मूव कर जाएगा। तो जो आंसर हो जाएगा वो 2.75। इस तरीके से इसको डिवाइड करेंगे 10 से तो 9.34। आगे डिवाइड करेंगे 5.8 है तो 1 डिजिट आएगा, तो इधर 5 के पहले आ जाएगा डेसिमल 0.58, 0.6 का 0.006, 0.8 को करेंगे तो 0.008। इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर ई में कुछ वर्ड प्रॉब्लम दिए हुए हैं। इसे दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ 1 kg शुगर इज 36.50, 1 kg चीनी का दाम जो है 36.50 है रुपीज़ है, तो 15 kg शुगर का फास्ट में फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, 36.50 में 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो द आंसर विल बी 5547.50। ये आपके 15 kg शुगर का कॉस्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है वर्ड प्रॉब्लम का, ए ट्रेन कवर डिस्टेंस इन 1 आवर, एक ट्रेन 1 घंटे में 56.75 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है, तो यह 11 आवर में कितने घंटे का डिस्टेंस कवर करेगी, ये आपको फाइंड करना है। तो वही सिम यहाँ पर भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड 56.75 मल्टीप्लाइड बाई टाइम 11 आवर, मल्टीप्लाई कर देंगे आपका आंसर हमें फाइंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, वेट ऑफ 11 सीमेंट बैग इज 552.75 kg। आपके 11 सीमेंट बैग का जो वेट है वो 552.75 kg है। आपको 1 बैग ऑफ सीमेंट का वेट फाइंड करना है, तो अगर 11 का दिया हुआ 1 का फाइंड करना है तो आप डिवाइड करेंगे, तो 552.75 को हम डिवाइड करेंगे तो आंसर मिलेगा हमें 50.25। यहाँ पर डिवीजन हमने किया है, आप देख सकते हैं। तो 1 किलो 1 बैग सीमेंट का जो वेट हो जाएगा वो 50.25 kg हो जाएगा। ओके, तो इसी तरीके क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको डिवाइड ही करना है, आप उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक्स।